हमने अभी तक शांति की बात करी, अमेरिका नहीं पूरे विश्व ने भारत की नीति की सराहना की है। उस नीति की पालना करते हुए जिस कवि को बुलाना चाहता हूँ, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, कई बार उदयपुर में आया है, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, बिना किसी भूमिका को बुलाना चाहता हूँ, जयपुर से आए हुए भाई अब्दुल गफ्फार को, कि वो आए और अपना कविता पाठ करें। भाई अब्दुल गफ्फार। परम श्रद्धेय आज के मुख्य अतिथि जी, अध्यक्ष जी, विशिष्ट नागरिक अतिथिगण, नागरिक बंधुओं और मेवाड़ की सरजमीन को सबसे पहले इसलिए प्रणाम करता हूं क्योंकि मेवाड़ ही एकमात्र वो अंचल है जिसके शौर्य और पराक्रम की गाथाओं से राजस्थान का इतिहास अभी तक गौरवान्वित है। निवेदन करना चाहता हूं, भाई प्रकाश ने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे यहां बुलाया, सचमुच मैं छोगालाल जी का बहुत आभारी हूं कि आज के इस मुकद्दस पावन पुनीत विषय पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में इन्होंने हम सबको याद किया। जहां तक छोगालाल जी का सवाल है, केवल निवेदन इतना कर सकता हूं और आपको लगे कि हां सचमुच बात सच्ची है, अच्छी है, तो फिर जोरदार तालियां मिलनी चाहिए कि आज का वातावरण देखकर दिल एक दूसरे के हाथों में कैच हो रहे हैं, आज का वातावरण देखकर दिल एक दूसरे के हाथों में कैच हो गए हैं। और पवार साहब आप कितना भी जमो, पर आज तो छोगालाल जी मैन ऑफ द मैच हो गए हैं। लीजिए, और लीजिए मित्रों, हम सब कवियों की एक इच्छा है, उस शख्स का अभिनंदन किया जाए जिसने अकेले के दम पर यह बीड़ा उठाया है कि करगिल के शहीदों के स्मृति में ये कवि सम्मेलन में चाहे मुझे चंदा मिले ना मिले, जब तक छोगालाल जैसे जाबाज नौजवान इस धरती पर हैं, हमारे शहीदों के सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। मैं छोगालाल से अनुरोध कर रहा हूं कि वो मंच पर आए और पवार साहब से अनुरोध कर रहा हूं, छोगालाल जी को हम कवियों की तरफ से माला पहनाकर छोगालाल जी का सम्मान करें। आइए छोगालाल जी, अरे आओ बेटा, अरे आओ आओ, आज आओ, ऊपर 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 ऊपर, पवार साहब को छोगालाल जी की भावना इस कदर पसंद आई, पवार साहब को छोगालाल जी की भावना इस कदर पसंद आई कि सरेआम इन्होंने इनको जयमाला पहनाई, पवार साहब को छोगालाल जी की भावना इस कदर पसंद आई, सरेआम इन्होंने इनको जयमाला पहनाई, तो जयमाला को पहन हृदय मन झूम उठा मतवाला, पर डिया जी साहब महिलाओं के होते मर्द से क्यों डलवा दी वरमाला, महिलाओं के होते मर्द से क्यों डलवा दी वरमाला। और इसी तरह अगर मर्द मर्द को वरमाला पहनाएंगे तो परिवार नियोजन के सब मसले हल हो जाएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे। ये बात बताना चाह रहा था, भाई प्रकाश ने कहा कि दीवार पर कपड़ा टांगने के लिए कील जरूरी है, खींच लो, बरसात आने वाली है, लेकिन मेरा दावा है ये मेवाड़ का सूरमा है, बरसात की बूंदों से हिल नहीं सकता। निवेदन करना यही रहेगा दोस्तों, कल्पना करना वो 18,000 बर्फ फुट ऊंचाई पर बैठकर बर्फीली हवाओं के थपेड़ों के बीच में बैठकर हमारी अपनी मुस्कुराहट के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज उनकी स्मृति में ये कवि सम्मेलन है। हम बताना चाहते हैं, हम शहीदों के पीछे पूरा राष्ट्र एक होकर खड़ा हुआ है। निवेदन करना चाहता हूं, मैं समझता हूं वातावरण बन गया है, मैं अपने तेवर में जिस तेवर में कविताएं पढ़ता हूं आप अच्छी तरह जानते हैं, जिस अंदाज में बात करता हूं आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर आपको कहीं महसूस हो कि एक बार फिर कुछ नई पंक्तियों से अब्दुल गफ्फार
आपकी मन भावनाओं को छूने की कोशिश की है तो जहां कहीं अच्छा लगे जोरदार आपकी तालियों का समर्थन मुझे मिले ताकि मुझे एहसास हो कि मैं कविता पाठ करने अजंता एलोरा की गुफा में नहीं मेवाड़ के सूरमाओं के बीच में आया हूं। निवेदन करना चाहता हूं, भाई प्रकाश नागौरी ने एक बात कही, भाई प्रकाश नागौरी ने एक बात कही कि अटल जी बस लेकर गए, कश्मीर की समस्या हल नहीं हुई। इनकी मानना है कि अगर कि धर्म गुरुओं को वहां भिजवाया जाता तो यह समस्या खत्म हो जाती। मैं इनकी इस राय से सहमत नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं जिस दिन अटल जी बस में बैठकर गए, अगर बस में बैठकर नहीं सेना के टैंक में बैठकर लाहौर जाते तो आज समस्या खत्म हो जाती। इसलिए कहना चाहता हूं कुछ पंक्तियों में बात कहना चाहता हूं। आपको लगे कि सचमुच अब्दुल गफ्फार को यह पंक्तियां पढ़नी चाहिए तो फिर आपका जोशीला समर्थन चाहूंगा। निवेदन करना चाहता हूं और मित्रों फिर एक निवेदन करना चाहता हूं। छोगा लाल जी अपनी पीड़ा बता रहे थे, ये जो दान सहयोग निधि पात्र आप देख रहे हैं ये साधारण सहयोग निधि पात्र नहीं है। 17 तारीख को अब्दुल गफ्फार ने पहली बार शहीदों कारगिल के शहीदों के नाम एक कवि सम्मेलन किया था जयपुर में और मुझे खुशी हुई मेरे एक ही दिन की अपील पर एक ही घंटे में 1,32,000 रुपए की राशि एकत्र हुई जो हमने शहीदों के परिजनों को भिजवाई। आज ये पीड़ा छोगालाल जी की नहीं संपूर्ण भारत वर्ष की पीड़ा है। इसलिए जहां कहीं अच्छा लगे आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस सहयोग निधि पात्र में कुछ ना कुछ डालकर अवश्य जाइए क्योंकि आपका डाला हुआ वो सहयोग समर्थन देगा शहीद विक्रम सिंह की उस विधवा के नाम जो सुहाग रात को ही अपनी बीवी को छोड़कर करगिल में आप और हमारी सुरक्षा करने के लिए सरहद पर चला गया था। आपका सहयोग ताकत देगा, आपका सहयोग ताकत देगा कि अपने हनीफुद्दीन की 3 वर्षीय बेबी सलमा के नाम जो रोजा ईद के दिन ईद के बाहर खड़ा होकर अपने पापा का इंतजार करेगी कब उसका पापा आएगा उसे नई फ्रॉक पहनाएगा। आपका सहयोग ताकत देगा स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के 3 वर्षीय बेटे अंकुश के नाम जो किसी विद्यालय के बाहर खड़ा होकर A4 एप्पल और B4 बेबी बोलने का प्रयास कर रहा है। आपका सहयोग समर्थन देगा खड़क सिंह गुजर की उस वृद्ध माता पिता की आस्था को जो अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं कब उनका बेटा सरहद से लौट कर आएगा और कब उन्हें हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पर ले जाएगा। इसलिए मित्रों जहां कहीं आपको लगे कि इन कवियों की कविताओं के माध्यम से आपके मन के ज्वार में शहादत के खुशबू के समर्थन दे तो इस सहयोग निधि को अपना मानकर कुछ ना कुछ अवश्य देके जाए ताकि उदयपुर के इतिहास में आज की रात एक ऐतिहासिक रात साबित हो सके। निवेदन करना चाहता हूं, पंक्तियां देना चाहता हूं। परिवर्तन क्या है, 50 बरस से कश्मीर की समस्या जो की तो है, हालात क्या बदल गए इसलिए कहना चाहता हूं। याद कीजिए जब चरारे शरीफ में उग्रवादियों ने कब्जा किया था तो दिल्ली की सरकार 1 महीने तक उन्हें चिकन और बिरयानी खिलाती रही, उन्हें मनोहर करती रही कब आप आओ कब हम आपको सीमा के पार पहुंचाएं। यहां दोनों ही पार्टी के प्रतिनिधि बैठे रह सकते हैं लेकिन अगर हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हिंदुस्तान आपके रगों में खून बनकर मचल रहा है तो अब्दुल गफ्फार की कविता कुछ पंक्तियां निश्चित पसंद आएगी। मांगीलाल जी साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनके कई निमंत्रण पर कई बार उदयपुर में आया हूं, पूर्व्या साहब भी आज बैठे हैं, मैं दोनों ही सम्मानित सज्जनों को समर्पित कर रहा हूं 2 पंक्तियां। ये कविता अच्छी लगे तो पूरा मेवाड़ के सुरमा का समर्थन चाहूंगा। परिवर्तन क्या है, स्थितियां क्या है कि देखो झुलस उठी फिर से गलियां वो केसर वाली, और जो कह रहे हैं कि जंग खत्म हो गई उनका भ्रम है। हमारे थल सेना अध्यक्ष VP मलिक आज भी कह रहे हैं अभी भी घुसपैठिए कुछ जगह पर अड़े हुए हैं। ओसामा बिन लादेन अपने 1,000 सशक्त अंगरक्षकों को लेकर सरहद के पार इंतजार कर रहा है कि कब मौका मिले कब सरहद के पार घुस जाए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मुखिया अमानुल्लाह खान सरेआम धमकी दे रहा है कि 4 अक्टूबर को मैं नियंत्रण रेखा पार करके दिखाऊंगा, है हिंदुस्तान में ताकत तो मुझे रोक ले। इस तमाम परिप्रेक्ष्य में अब्दुल गफ्फार कहना चाहता है कि देखो झुलस उठी फिर से कलियां वो केसर वाली और देखो फिर से दहक उठी वो घाटी की हरियाली। देश का मानचित्र देखे मेरी पंक्तियां सुने, देखो झुलस उठी फिर से कलियां वो केसर वाली, देखो फिर से दहक उठी वो घाटी की हरियाली, देखो देखो फिर बारूदी बादल है मंडराए और सिंह भूमि पर तांडव करने कुछ गीदड़ घुसवाए। देखो देखो वाह वाह वाह। और अब
और आप बजरंग दल के नौजवानों, आपकी तालियां अब अपेक्षित है कि देखो झुलस उठी फिर से कलियां वो केसर वाली, देखो फिर से दहक उठी वो घाटी की हरियाली, देखो 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 फिर बारूदी बादल है मंडराए, सिंध भूमि पर तांडव करने कुछ गीदड़ घुसाए, देखो फिर से आज जगी विकराल काल की ज्वाला, देखो फिर से आज जगी विकराल काल की ज्वाला, समर क्षेत्र बन भभक उठी करगिल की पर्वतमाला, देखो फिर से देव धरा पर संकट छन गहराया, नापाक पाक ने फिर अपना विकृत चेहरा दिखलाया, और अब के अपनी गर्जन से, अब के अपनी गर्जन से पूरा ब्रह्मांड हिलेगा, इस बार बिरयानी चिकन नहीं मृत्यु का दंड मिलेगा, और अब के अपनी गर्जन से पूरा ब्रह्मांड हिलेगा, पर अब के अपनी गर्जन से पूरा ब्रह्मांड हिलेगा, इस बार बिरयानी चिकन नहीं मृत्यु का दंड मिलेगा। और कहना चाहता हूं, और मैं किसी और से क्यों कहूं, मेरी पंक्तियां मान्या किरण माहेश्वरी जी मांगीलाल जी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम पहुंचाना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगे कि मुझे नहीं देश के हर नौजवान को ये पंक्तियां प्रधानमंत्री तक पहुंचानी चाहिए, तो आपका समर्थन चाहूंगा। तो अगला पाकिस्तान एक तरफ समझौते की बातें करता है, दूसरी तरफ सीमा पर बारूद बिछाता है, इस परिप्रेक्ष्य में अब्दुल गफ्फार कहना चाहता है कि ओ अंधकार के छुरमुट में आशा की जोत हमारी सुन, ओ अंधकार के अजो अंधकार के झुरमुट में आशा की जोत हमारी सुन, रो भारत के स्वाभिमान के रक्षक अटल बिहारी सुन। क्या सुनाना चाहता अब्दुल गफ्फार, ओ अंधकार के झुरमुट में आशा की जोत हमारी सुन, ओ भारत के स्वाभिमान के रक्षक अटल बिहारी सुन, आज इस बस यात्रा की चर्चा में मत वक्त यूं ही बर्बाद करो, इस बस यात्रा की चर्चा में मत वक्त यूं ही बर्बाद करो, तुम राज ऋषि हो, राज धर्म की परिभाषा को याद करो। क्या याद दिलाना चाहता हूं, ओ अंधकार के झुरमुट में आशा की जोत हमारी सुन, ओ भारत के स्वाभिमान के रक्षक अटल बिहारी सुन, आज इस बस यात्रा की चर्चा में मत वक्त यूं ही बर्बाद करो, तुम राज ऋषि हो, राज धर्म की परिभाषा को याद करो, याद करो ये विकट समस्या अब तक खड़ी हुई है क्यों, और कश्मीर की केसर क्यारी गुमसुम पड़ी हुई है क्यों, याद करो ये देवदार के वृक्ष है क्यों बेहाल खड़े, और कश्मीरी पंडित सड़कों पर अब तक क्यों बदहाल पड़े। इसलिए कहना चाहता हूं, ओ अंधकार के झुनुट में आशा की जोत हमारी सुन, ओ भारत के स्वाभिमान के रक्षक अटल बिहारी सुन, इस बस यात्रा की चर्चा में मत वक्त ही बर्बाद करो, तुम राज ऋषि हो, राज धर्म की परिभाषा को याद करो, याद करो ये देवदार के वृक्ष क्यों बेहाल खड़े, कश्मीरी पंडित सड़कों पर अब तक क्यों बदहाल पड़े, क्यों चश्मे शाही की रौनक अब तक भी लौट नहीं पाई, क्यों शालीमार के फूलों में न खुशबू फिर वापस आई, क्यों ननकाना साहिब का गौरव है सीमा के पार पड़ा, क्यों 100 करोड़ जाबाजों का है स्वाभिमान लाचार खड़ा, तो तुम प्रताप के अटल पुत्र हो, तुम प्रताप के अटल पुत्र हो, सिंह की तरह दहाड़ दो और नवाज की छाती पर चढ़ करके अमर तिरंगा गाड़ दो, तुम प्रताप के अटल पुत्र हो। बहुत अच्छा, तुम प्रताप के शौर्य पुत्र हो, तुम प्रताप के वीर पुत्र हो, सिंह की तरह दहाड़ दो और नवाज की छाती पर चढ़ करके अमर तिरंगा गाड़ दो। और बात कहना चाहता हूं, एक संदर्भ से जोड़ना चाहता हूं, मेरे कुछ मुझे याद आ रहे हैं, मेरे कुछ मुस्लिम श्रोता भी यहां बैठे हुए हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। याद दिलाना चाहता हूं, जिस नापाक पाकिस्तान की गोलियां खाकर कैप्टन हनीफुद्दीन करगिल में शहीद हो गया था, आपको याद है हनीफुद्दीन वो कैप्टन था जब जुबेर हिल पर हमला करने की योजना बनाई गई, एक तरफ जयपुर के मेजर अजीत सिंह ने मोर्चा दबा रखा था, दूसरी तरफ कमान हनीफुद्दीन के हाथ में थी, हनीफुद्दीन ने अपने 10 मुस्लिम जांबाज सैनिकों के साथ अल्लाह अकबर का नारा दिया, और जो ही अल्लाह अकबर बोला घुसपैठियों ने सोचा कि ये तो शायद हमारे ही साथी हैं, थोड़ी देर के लिए वो हनीफुद्दीन से लापरवाह हुए, उन घुसपैठियों ने अपना ध्यान अजीत सिंह की तरफ किया,
ठीक उसी वक्त चीते से फुर्ती से 10 जांबाज मुसलमानों ने 50 घुसपैठियों को मारकर जुबेर हिल पर तिरंगा झंडा फहरा दिया था। आपको याद होगा, इसलिए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जिस नापाक कायर पाकिस्तान की गोलियां खाकर हनीफुद्दीन सरहद पर शहीद हो गया था, जिस पाकिस्तान की गोलियां खाकर रिजवान अली ने अपनी छाती पर बारूदी दाग झेलकर प्राण त्याग दिए थे, जिस पाकिस्तान की गोलियां खाकर जाकिर हुसैन शहीद हो गया था, उसी पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार पाकर अगर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार मन ही मन इतराता है तो इससे ज्यादा उन मुस्लिम शहीदों के साथ और मजा क्या होगा। इसलिए बात करना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को एक बार अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि से विभूषित किया था, लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि आप हिंदुस्तान पर जुल्म ढा रहे हो, इसलिए आपके विरोध स्वरूप आपकी उपाधि को मैं ठोकर पे मारता हूं। उन्होंने अंग्रेजों के मुंह पर वो उपाधि फेंक दी। लेकिन दिलीप कुमार जी से कहा गया था, प्रधानमंत्री जी से पूछूंगा। मित्रों, मातृभूमि के लिए आदमी एक पुरस्कार दोगे अपनी संपूर्ण जिंदगी न्यौछावर कर सकता है। इसलिए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और इसलिए भी पढ़ना चाहता हूं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान ने अपनी मां की याद में कैंसर अस्पताल जब कराची में खोलने का ऐलान किया, तो यही वो दिलीप कुमार है जिसने 7 करोड़ रुपया इमरान खान को सहयोग दिया। लेकिन जब सुनील दत्त अपनी पत्नी नरगिस दत्त की याद में बंबई में कैंसर अस्पताल बनाता है तो दिलीप कुमार के जेब से 7 रुपए नहीं निकल पाते हैं। इसलिए अब्दुल गफ्फार कहना चाहता है, इसलिए कहना चाहता हूं, अगर आपको पंक्तियों में सच्चाई लगे अच्छाई लगे तो जोरदार समर्थन चाहूंगा, गलत लगे तो रोक देना टोक देना पूरा अधिकार है, लेकिन बात सच्ची लगे तो पूरा सदन मुझे समर्थन दे। निवेदन करना चाहता हूं, उस निशाने इम्तियाज को स्मरण कीजिए जो पाकिस्तान सरकार ने दिलीप कुमार को दिया। और अब्दुल गफ्फार की पंक्तियां सुने, कहना चाहता हूं, और अच्छी लगे तो पत्रकार बंधु यहां होंगे मेरे नौजवान, अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो उसके बंगले जुहू में जाकर उसके बंगले के बाहर चस्पा कर देना कि हां अब्दुल गफ्फार ने कोई पंक्तियां लिखी। बात कहना चाहता हूं, पंक्तियां सुनेगा। निवेदन करना चाहता हूं कि ओ हट धर्मी, ओ बेशर्मी, ओ पैसे के यार, सुन, एक एक 1.5 करोड़ रुपए फिल्म में लेता है लेकिन राष्ट्र के लिए कुछ नहीं, शहीदों के लिए एक शब्द समर्थन में नहीं बोले। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उनसे तो अच्छे रहे सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, जिन्होंने सरहद पर जाकर सैनिकों का संबल बढ़ाया। और ये इसलिए कहना चाहता हूं कि ओ ओ हट धर्मी, ओ बेशर्मी, ओ पैसे के यार, सुन, और ओ दुश्मन की खैर चाहने वाले दिलीप कुमार, सुन। क्या कहना चाहता हूं मैं, जोरदार समर्थन मिलना चाहिए मित्र, बात सच्ची हो तो सुनेगा। ओ बेशर्मी, ओ बेशर्मी, ओ हटधर्मी, ओ पैसे के यार, सुन, ओ बेशर्मी, ओ हटधर्मी, ओ पैसे के यार, सुन, और ओ दुश्मन की खैर चाहने वाले दिलीप कुमार, सुन, अरे बाल ठाकरे को ही नहीं, बाल ठाकरे को ही नहीं, अब सबको ये कहना होगा कि इस धरती पर रहना तो इसका बनकर रहना होगा। ओ हट धर्मी, ओ बेशर्मी, ओ पैसे के यार, सुन, ओ दुश्मन की खैर चाहने वाले दिलीप कुमार, सुन, अरे बाल ठाकरे कोई नहीं, अब सबको यह कहना होगा कि इस धरती पर रहना तो इसका बनकर रहना होगा। अरे कहना होगा सभी रहेंगे शाद यहां मरते दम तक, कहना होगा सभी रहेंगे शाद यहां मरते दम तक, कहना होगा भारत जिंदाबाद यहां मरते दम तक, कहना होगा अमृत से भी प्यारी पावन गंगा है, कहना होगा प्राणों से भी बढ़कर अमर तिरंगा है, हमने इस पर जन्म लिया, यही खुशी से रहते हैं, इसलिए अब साफ साफ शब्दों में खुलकर कहते हैं कि या तो निशाने पाक तुझे वापस लौटाना ही होगा, या तो निशाने पाक तुझे वापस लौटाना ही होगा, या फिर तुझको भारत की धरती से जाना ही होगा, जाना ही होगा, जाना ही होगा। धन्यवाद।
जन जन तक पहुंचाया जाए, पर शहीदों के अस्थि कलश को भी पूरे देश में घुमाया जाए, शहीदों के अस्थि कलश को पूरे देश में घुमाया जाए। ये दोनों बातें साथ करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा मिशन पूरा होगा। मित्रों, अब एक कवि को आपके सामने बुलाता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, ये सब मेरे अपने लोग हैं, किसी कवि के बीच में पंक्तियां अच्छी लगती है तो सीटी बजा देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर इतनी ऊर्जा है मित्रों तो अगले कवि सम्मेलन में शंख लेकर के आ जाना, और किसी कवि की पंक्ति अच्छी लगे तो उस पर शंख बजा के अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन कर देना, तब मुझे लगेगा कि हम भारत के सच्चे नागरिक हैं। सीटी पीटी दूसरी जगह बजाया करो, हमने सीटी पीटी भाई दस्तखत नहीं की, जब सीटी बजाने की क्या जरूरत है साली, क्या तुके उसका तुके नहीं, आवश्यकता ही नहीं है, शंख बजाओ अगर बजाना है तो। उस शंख की ध्वनि को प्रतिध्वनित करने के लिए मैं उस कवि को आपके सामने बुलाना चाहता हूं जो पहली बार उदयपुर में आए हैं, और पंवार जी का हम पर एक अतिरिक्त एहसान है जो उन्हें साथ में लाए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, हमें सुनने को मिलेगा भाई सत्यपाल जी। सत्यम को मैं बड़ी आदर और प्यार के साथ आमंत्रित करता हूं कि वे आएं, पहली बार उदयपुर की जनता से रूबरू हों, और आप आदर के साथ उनका तालियों से स्वागत करें, सम्मान करें। सत्यपाल सत्यम। सुधी श्रोता हैं, इतने जागरूक हैं कि कविता की भूमिका की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कविता की भूमिका से ज्यादा छोटी कविता पड़ जाती है। मैं दो छंद एक गीत लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर हंसने जैसा मौका है, हौसले से जोश से मैं गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, मैं चाहूंगा उसी हौसले के साथ आप सुने। लीजिए, अभी मैं चुप हुआ हूं, पहले बोल ही रहा था, वहां बोलना बहुत आसान है, यहां खड़े होकर बोलना बहुत कठिन है, ये सब धुरंधर है। इसलिए ये टिप्पणी बीच से करना, अभी भाई साहब ने कहा कि सीटी बजाना आपकी शालीनता के विरुद्ध है। मैं एक दो मुक्तक पढ़ता हूं और देखिए आप, कारगिल के शहीदों के नाम। स्वागत है भाई। कारगिल हो कारगिल चाहे द्रास, हमसे कहो जो आज हौसले हमारे सीमा पार बढ़ जाएंगे। कारगिल चाहे द्रास, हमसे कहो जो आज हौसले हमारे सीमा पार बढ़ जाएंगे। लंबी हो डगर चाहे ऊंची हो शिखर, कोई रास्ते बनाते हुए चोटी चढ़ जाएंगे। लंबी हो डगर चाहे ऊंची हो शिखर, कोई रास्ते बनाते हुए चोटी चढ़ जाएंगे। 16 बार माफ नहीं होने देंगे इस बार, 16 बार माफ नहीं होने देंगे इस बार, उनसे लड़ेंगे तुमसे भी लड़ जाएंगे। 16 बार माफ नहीं होने देंगे इस बार, उनसे लड़ेंगे तुमसे भी लड़ जाएंगे। हर एक कदम पे तिरंगे की नजर होगी, जहां जहां जीतेंगे तिरंगे गढ़ जाएंगे। भाई वाह 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 वाह। हर एक कदम पे तिरंगे की नजर होगी, जहां जहां जीतेंगे तिरंगे गढ़ जाएंगे। वाह वाह वाह। जहां जहां जीतेंगे तिरंगे गढ़ जाएंगे। युद्ध रुका नहीं है, ना रुकता है कभी। एक छंद और, इसके बाद एक गीत जो युद्ध पर लिखा नितांत वीरस में लिखा गीत है। ओ नवाजी अपनी जबान को लगाम देना, ओ नवाजी अपनी जबान को लगाम देना, तेरा तेरे वश में बयान नहीं दिखता। कारगिल में जो घुसपैठिए आए हुए थे, उनमें तुझे कोई शैतान नहीं दिखता। तूने सारे विश्व में आंसू बहा के देख लिए, तूने सारे विश्व में आंसू बहा के देख लिए, तेरा पूरा होता अरमान नहीं दिखता। कश्मीर वही का वही रहेगा इस बार, युद्ध में कहीं भी पाकिस्तान नहीं दिखता। कश्मीर वही का वही रहेगा इस बार, युद्ध में कहीं भी पाकिस्तान नहीं दिखता। युद्ध में कहीं भी पाकिस्तान नहीं। और सेना से संबंधित मैं नौकरी करता हूं, मैं चाहता हूं इस समय एक जवान की हैसियत से मैं आपके सामने कविता पढ़ूं, और मैं सारे देश को एक सेना के अधिकारियों के रूप में देखूं। लीजिए, गीत प्रस्तुत है।
युद्धवीर तैयार रहो फिर युद्धवीर तैयार, युद्धवीर तैयार रहो फिर युद्धवीर तैयार, इस बार हिंद की सीमाएं जाएंगी पाक के पार, फिर युद्धवीर तैयार रहो फिर युद्धवीर तैयार, फिर युद्धवीर तैयार रहो फिर युद्धवीर तैयार, फिर युद्धवीर तैयार रहो फिर युद्धवीर तैयार। प्रथम युद्ध की हार करारी शायद उसको याद नहीं, प्रथम युद्ध की हार करारी शायद उसको याद नहीं, लाहौर कराची पर बमबारी शायद उसको याद नहीं, हुई थी कितनी मारा मारी शायद उसको याद नहीं, ताशकंद में बना भिखारी शायद उसको याद नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। आपके सामने आ गए कुछ कवि बाकी हैं, लेकिन ब्यावर से आई हुई नफीसा भारती, अजमेर से आई हुई नफीसा भारती हमारे बीच में है, और भाई छोगालाल जी भोई ने जब उनको माल्यार्पण करवाया तो कहा था कि श्री नफीसा भारती ये वास्तव में मर्द महिला है, एक जीवट व्यक्तित्व वाली महिला है, कहीं को शहीद कर दिया है इसने अपनी कविताओं के माध्यम से। मैं कुछ कहता हूं और विकृति आपकी सोच में, मैं सही सही कह रहा हूं ना, आप पता नहीं कहां सोचते हैं, टाइप राइटर है मारो कहीं लगे वहीं गड़बड़ यहीं जाए। लेकिन एक जीवित व्यक्तित्व वाली महिला है, बहुत अच्छी गजल गाती है, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने बहुत कुछ छंद देशभक्ति पर लिखे हैं। ये कितनी बढ़िया बात है मित्रों कि जिसको आज तक कवि सम्मेलन में गीत और गजल गाने के लिए बुलाया जाता था, आज वही कवियत्री देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं के लिए बुलाई जाती है। मैं ऐसी ब्यावर से आई हुई, अजमेर से आई हुई कवियत्री नफीसा भारती को आपके बीच आमंत्रित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं, नफीसा भारती। इतना चीख चीख के कल पोस्टर लगवा दें गलियों में। वाणी मंच पर विराजमान माँ शारदा पुत्रों को मेरा नमन, झीलों की नगरी उदयपुर के सुदृढ़ श्रोताओं को मेरा सशक्त नमन। बिना किसी भूमिका के आज की शाम शहीदों के नाम पर जो कवि सम्मेलन का आपने आयोजन किया, इस मंच से अभी तक कौमी एकता की बात नहीं कही गई, कारगिल की बात तो बाद में है, कौमी एकता के नाम पर चार पंक्तियां मुक्त के रूप में मंच की ओर से आपके श्री चरणों में समर्पित करते हुए पंक्तियां समर्पित हैं कि तांडवधारी शिव को पुनः जगाएं, तांडवधारी शिव को पुनः जगाएं, उसकी गंगा में नीर की जगह रक्त कैसे, यह उत्तर उसी से पाएं। वाह, तांडवधारी शिव को पुनः जगाएं, उसकी गंगा में नीर की जगह रक्त कैसे, यह उत्तर उसी से पाएं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा झंडा फहराएं, पर पहले अयोध्या चल रहीम को राम से मिलाएं, फिर हम सभी मिलकर वंदे मातरम के गीत गाएं, फिर हम सभी मिलकर वंदे मातरम के गीत गाएं। इसी के साथ कौमी एकता कैसे आ सकती है, इसका समाधान मेरे इस अगले छंद में आपका आशीर्वाद चाहते हुए कि बंद करो व्यर्थ सारे, कि बंद करो व्यर्थ सारे कौमी एकता के नारे, नकली दिखाओ से न एकता आ पाएगी, कि बंद करो व्यर्थ सारे कौमी एकता के नारे, नकली दिखाओ से न एकता आ पाएगी, इस हेतु हो रहे हैं जितने भी आयोजन, उनसे तो दूरी और बढ़ती ही जाएगी, संप्रदायवाद मिटे बंद खून खराबा हो ये कोई भी सरकार कर नहीं पाएगी, और सारी कौमें अपना ले हिंदुस्तानी सभ्यता, तो कौमी एकता तो अपने आप ही आ जाएगी, कौमी एकता तो अपने आप ही आ जाएगी, कौमी एकता तो अपने आप ही आ जाएगी। अब बात करती हूँ आपके सामने कश्मीर के दर्द को, उसका एहसास मेरे
दिल तक भी है। एक मुसलमान कवित्री अपना दर्द, अपना एहसास, अपने जज्बात, अपनी भावना किस तरह से रखती है। मंच का आशीर्वाद चाहते हुए कि धरती के भाल कश्मीर के सवाल पर किसी से न कोई समझौता होना चाहिए। वाह, धरती के भाल कश्मीर के सवाल पर किसी से न कोई समझौता होना चाहिए। कपटी पड़ोसियों से मित्रता की बात कर देश की प्रतिष्ठा को न यूं ही खोना चाहिए। कि धरती के भाल कश्मीर के सवाल पर किसी से न कोई समझौता होना चाहिए। कपटी पड़ोसियों से मित्रता की बात कर देश की प्रतिष्ठा को न यूं ही खोना चाहिए। एकता अखंडता बनानी मजबूत है तो के साथ मेरे इस गीत का बढ़ाव आपके आगे करती हूं कि मेरे लिए न महान न अजान न आरती है। मेरे लिए न महान न अजान न आरती है, अरे हिंदू और मुसलमान होने से पहले सिर्फ आपकी ये नफीसा भरती है, आपकी ये नफीसा भरती है। सीधे सीधे यह गीत आपके शिव चरणों में समर्पित करते हुए आशीर्वाद चाहते हैं कि पूरब में आंधियों का उठा शोर है, कि पूरब में आंधियों का उठा शोर है और पश्चिम में बारूदी घटाएं घोर है। उत्तर में कश्मीर जल रहा है, दक्षिण भी अब मुझे छल रहा है। अलगाववादी भावनाएं जगी है, सारी आर्य भूमि में तो आग लगी है। अरे जिसे देखो वही लेकर टारी खड़ा है, करगिल पे विदेशियों का खौफ बड़ा है। अब तो नट बारे तुझे आना पड़ेगा, जैसे भी हो देश को बचाना पड़ेगा। वाँ वाँ वाँ। सीमाओं पे दुश्मनों का घात लगाई, सीमा पर दुश्मनों ने घात लगाई, चोटियों पे चढ़ गए जाबाज सिपाही। सीमा पर दुश्मनों ने घात लगाई, चोटियों पे चढ़ गए जाबाज सिपाही। माँ के दूध का इन्होंने कर्ज चुकाया, माँ के दूध का इन्होंने जा कर्ज चुकाया। ऐसे वीर सपूतों ने फर्ज निभाया, अब तो चक्र हाथों का चलाना पड़ेगा, जैसे भी हो देश को बचाना पड़ेगा। वाँ वाँ वाँ। अब तो चक्र हाथों का चलाना पड़ेगा, जैसे भी हो देश को बचाना पड़ेगा। अरे फिर भी कंस सीमाओं पे घूम रहा है, फिर भी कंस सीमाओं पे घूम रहा है और दुशासन सुरापिये झूम रहा है, और दुशासन सुरापिये झूम रहा है।
जैसे भी हो देश को बचाना पड़ेगा, पर लगता है नफीसा तुम्हें एक बार वापिस आना पड़ेगा। मैं आपको जिस कवि के बारे में कहना चाहता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना। मेरे से एक मित्र ने पूछा था कि करगिल के शहीदों के नाम इस कवि संध्या में डॉक्टर विष्णु सक्सेना क्या करेंगे, क्योंकि ये तो श्रृंगार के गीत लिखता है। जिसने गाल पर गीत लिखे हो वो गोली पर गीत कैसे लिख सकता है। लेकिन मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा युद्ध में सिर्फ 250 जाबाज शहीद हुए हैं, बाकी जो सैनिक हैं बस युद्ध की समाप्ति के बाद जब घर पे जाएंगे तो विष्णु के गीत ही लेकर के जाएंगे, इसलिए उनके लिए भी इसके आना जरूरी है, गीत का होना जरूरी है। मैं ऐसे बधुर गीतकार जिनकी हर पंक्ति के ऊपर श्रोता झूम उठता है, एक नए अंदाज से गीत सुनने को मिलता है, ऐसे मेरे बढ़िया मित्र और गीतकार भाई विष्णु सक्सेना को आमंत्रित करना चाहता हूँ। वो आए और आप दिल खोल कर इनकी कभी इनके गीत सुने, तालियों से इनका सम्मान करें, स्वागत करें डॉक्टर विष्णु सक्सेना। कुशल स्पर्श इसलिए कर रहा हूँ कि इस मंच का सबसे छोटा हस्ताक्षर हूँ। भाई प्रकाश नागुरी ने मेरा परिचय जिस रूप में दिया वो बिल्कुल सही है। नफीसा जी ने बहुत प्यारे प्यारे गीत आपको सुनाए, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैंने अब तक जितने गीत लिखे सब श्रृंगार और प्यार के लिखे हैं, लेकिन इस माहौल ने कुछ मुझे भी लिखने को मजबूर कर दिया, इसलिए मैं चार पंक्तियाँ, मात्र चार पंक्तियों से मैं शहीदों को श्रद्धांजलि दूंगा, उसके बाद मैं अपने रंग में आऊँगा और आपको अच्छी कविताएँ सुनाऊँगा, सुनिएगा। क्योंकि देखिए मैंने पहली बार कोशिश की है इसलिए आपका प्यार विशेष रूप से चाहता हूँ, सुनेगा। जिनकी वजह से अपनी दिवाली और ईद है, वाह वाह। जिनकी वजह से अपनी दिवाली और ईद है, वाह वाह वाह। ये लेखनी भी आज उन्हीं की मुरीद है, मेरे तमाम गीत आज उनके नाम हैं। सरहद पे जाके आज हुए जो शहीद हैं, वाह भाई वाह। सरहद पे जाके वाह वाह वाह। आज हुए जो शहीद हैं। मैं हमारे अब्दुल भाई कफ्फार साहब कह रहे हैं हो गया इतना ही काफी है। मैं आपको एक गीत प्रेम का सुनाता हूँ। हाँ, मुझे उस मोहल्ले से ज्यादा कुछ अपेक्षाएं हैं। अरे हाँ हाँ, उस मोहल्ले का थोड़ा थोड़ा प्रसाद तुम्हें मिलता रहेगा। ये पक्का है। मैं सुनाता हूँ, सुनेगा। दिल की कोरी किताब लाया हूँ, दिल की कोरी किताब लाया हूँ, नर्म नाजुक गुलाल लाया हूँ। वाह वाह वाह। और इन दो पंक्तियों पे आप सबका प्यार है। नर्म नाजुक गुलाल लाया हूँ, तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, उन खतों के जवाब लाया हूँ, उन खतों के। वाह भाई वाह। वाह वाह वाह। प्रकाश जी ऐसा ही था तो सबसे पहले मुझे ही खड़ा कर देते आप। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। मैं सुना देता हूँ। उन खतों के जवाब लाया हूँ। चार पंक्तियां और सुनेगा। चाहे सूखा गुलाब दे देते, इसके वॉल्यूम को छेड़ना मत, यूं जाने देते। चाहे सूखा गुलाब दे देते, गालियां और खराब दे देते,
और फिर आपके दिल की बात। गालियां और खराब दे देते, उम्र भर देखते ना सूरत पर, मेरे खत का जवाब दे देते, मेरे खत का जवाब दे देते। चार पंक्तियां और सुनाता हूं, उसके बाद गीत से जोड़ूंगा। बेदाम चीज थी तो उस बेदाम क्यों लिखा, हाय हाय पूरा सुनो। बेदाम चीज थी तो उस बेदाम क्यों लिखा, तुम रत ही नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा। और इन दो पंक्तियों पे एक एक श्रोता का आशीर्वाद। तुम रत ही नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा, जब प्यार ही नहीं था तुम्हें हमसे, फिर कहो चुपचाप हथेली पे मेरा। ये चले शहीदों ने, अगला कवि सम्मेलन आपकी सहायता में ही होना है। प्रकाश जी जैसे तैसे कुछ तो श्रोता है मेरे, आप उनको ऐसे नहीं, आपके नहीं है। मैं विष्णु एक बात कह देता हूँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ मित्रों, एक मेरी बात सुन लो। ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, बहुत पुराना मित्र है, मगर एक बात इसकी उपस्थिति में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं विष्णु को पसंद करता हूँ, विष्णु के गीतों को पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। कोई आयोजक इसे बार बार बुलाता है तो उसे कहता हूँ शहर में बार बार मत बुलाओ, क्योंकि विष्णु के बार बार उस शहर में आकर मैंने कईयों के घर उजड़ते हुए देखे हैं। आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता है और सोचता प्रेमिका के बारे में, मेरा दावा है ये। हरिओम भाई साहब कह रहे हैं इसका तो बिगड़ लिया। ऐसी बात नहीं है, प्रकाश मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ, आपके सांगन में इस गीत को रखता हूँ, सुनेगा है जी। मैं फिर सुना देता हूँ इस मुक्तक को। बेदाम चीज थी तो उस बेदाम क्यों लिखा, तुम रत ही नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा, जब प्यार ही नहीं था तुम्हें हमसे, फिर कहो चुपचाप हथेली पे मेरा नाम क्यों लिखा। दोस्तों गीत आपके सांगन में सौंपता हूँ। मेरा दावा तो नहीं है कि गीत आपके आसपास से गुजरेगा, लेकिन उम्मीद जरूर कर रहा हूँ कि गीत आपकी भाषा बोलेगा। मैं सुनाता हूँ। जब बसाने का मन में न हो हौसला, एक एक पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा, मेरी संवेदनाओं से जुड़ेगा, आपको अच्छा लगेगा। जब बसाने का मन में न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। जब बसाने का मन में न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। और दाद दीजिएगा कि और उठा ना सको तुम गिरे फूल तो, और उठा ना सको तुम गिरे फूल तो, इस तरह डालियां मत हिलाया करो। जब बसाने का मन में न हो मैं बंद सुना। इस तरह डालियां मत हिलाया करो, जब बसाने का मन मैं न हो हौसला। अब पंक्ति सुनिएगा। वो समंदर नहीं था थे आंसू मेरे, जिनमें तुम तैरते और नहाते रहे। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे पूरा सुनिए यार। वो समंदर नहीं था थे आंसू मेरे, जिनमें तुम तैरते और नहाते रहे। और प्यार दीजिएगा।
एक हम थे कि आंखों की झील में बस किनारे पे डुबकी लगाते रहे। एक हम थे कि आंखों की झील में बस किनारे पे डुबकी लगाते रहे। और इस पंक्ति पे आपका खास तौर से आशीर्वाद कि मछलियां सब झुलस जाएंगी झील की। नफीसा जी आप खास तौर से सुनेगा कि मछलियां सब झुलस जाएंगी झील की, अपना पूरा बदन मत डुबाया करो। मछलियां सब झुलस जाएंगी झील की, अपना पूरा बदन मत डुबाया करो। जब बसाने का मन मैं न हो हौसला। मित्रों गीत का एक खास बंद आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। यार विष्णु, मेरे मन में एक बात आ गई। कही दे। तुमने इस पंक्ति को नफीसा जी को कह करके पर सुनाया है। मेरा कहना है कि ये मलाल है या तुम्हारे मन में ये मशवरा है? मलाल ही समझ लो। जब बसाने का मन मैं न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। और मित्रों गीत का अगला बंद प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें मैंने एक प्रतीक का प्रयोग किया है। मेरे यहाँ जितने भी नौजवान भाई बैठे हैं, खास तौर से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर वो प्रतीक आपके एहसास को छुए तो मुझे हौसला दें, हिम्मत दें, दाद दें। मेरे पिता तुल्य यहाँ जितने बुजुर्ग श्रोता बैठे हैं उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा कर रहा हूँ और वो बंद निवेदन कर रहा हूँ, सुनिएगा। वो हमें क्या संभालेंगे इस भीड़ में, वो हमें क्या संभालेंगे इस भीड़ में, जिनसे अपना दुपट्टा संभलता नहीं। वो हमें क्या संभालेंगे इस भीड़ में, जिनसे अपना दुपट्टा संभलता नहीं। कैसे मन को मैं कह दूं सुकोमल है ये, फूल को देख कर जो मचलता नहीं। और जिसके दीवारों दर है बने मोम के, जिसके दीवारों दर है बने मोम के, जिसके दीवारों दर है बने मोम के, उसके घर में न दीपक जलाया करो। जब बताने का मन मैं न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। और मित्रों गीत का अगला बंद प्रस्तुत है। इन पतंगों को देखो ये उड़ती यहाँ, जब कटेंगी तो जाने गिरेगी कहाँ। इन पतंगों को देखो ये उड़ती यहाँ, जब कटेंगी तो जाने गिरेगी कहाँ। बहती नदियों को खुद भी पता ही नहीं, अपने प्रियतम से जाने मिलेंगी कहाँ। और जिनके होठों पे तुम ना हंसी रख सको, जिनके होठों पे तुम ना हंसी रख सको, उनकी आंखों में आंसू न लाया करो। जब बसाने का मन मैं न हो हौसला। और मित्रों गीत की अंतिम विशेष पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा, आदरणीय पमार भाई साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनको ये बंद समर्पित करता हूँ। प्रेम की एक परिभाषा को दिया है हमारे कबीरदास जी ने, कहा कि ढाई अक्षर प्रेम का। इंग्लिश लिटरेचर में कहा लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेन एवरीथिंग। मेरा मानना क्या है, मैं निवेदन करता हूँ कि प्रेम को ढाई अक्षर का कैसे कहें, प्रेम सागर से गहरा है नभ से बड़ा। प्रेम को ढाई अक्षर का कैसे कहें,
प्रेम सागर से गहरा है नभ से बड़ा, प्रेम होता है दिखता नहीं है मगर, प्रेम की ही धुरी पर ये जग है खड़ा। और इस पंक्ति पर पूरे पंडाल का आशीर्वाद कि प्रेम के इस नगर में जो अनजान हो, प्रेम के इस नगर में जो अनजान हो, उसको रास्ते गलत मत बताया करो। प्रेम के इस नगर में जो अनजान हो, उसको रास्ते गलत मत बताया करो, जब बताने वाह वाह वाह। मित्रों को तबाह करने के लिए परमाणु बम तक बना दिया, उस इंसान को चार पंक्तियां चुनौती के लिए आह्वान करते हुए जगाने के लिए देता हूं। और मैं जगदीश सोलंकी जी को निवेदन करता हूं कि वह वो चार पंक्तियां निवेदन करता हूं कि सुनाए कब तबाही की कहानी आदमी को हम, सुनाए कब तबाही की कहानी आदमी को हम, उठाए कब तलक गिरते हुए इस आदमी को हम, कभी तलवार ये बंदूक एटम बम बना डाला, बचाएं किस तरह इस आदमी से आदमी को हम, बचाएं किस तरह इस आदमी से आदमी को हम। इस मानवता की पृष्ठभूमि पर गीत लिखने वाले जो पिछले कई वर्षों से गीत लिख रहे हैं, आज के हमारे इस कवि सम्मेलन में गेस्ट अपीयरेंस के रूप में जिनकी यहाँ पर उपस्थिति है, मैं बहुत आदर के साथ, प्यार के साथ, सम्मान के साथ दावत देता हूँ जगदीश जी भाई साहब को, यानी जगदीश सोलंकी जी को। वो आए और जी भर कर कविता सुनाएं। आप तालियों के साथ जगदीश भाई साहब का सम्मान करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी, मंच और आप सभी को सादर समर्पित अपना अभिवादन करता हूँ। विष्णु पूरी तरह आपके चरित्र को बिगाड़ के चला गया। मेरे लिए बहुत मुश्किल है आपके चरित्र को इतना जल्दी सुधारना, मुश्किल काम होता है। चले पहले कुछ कविता की बात करता हूँ, फिर कविता के माध्यम से कारगिल की बात करूँगा। सुनिएगा चार चार पंक्तियाँ। स्वागत। जिस तरह की पंक्तियाँ आज इस मन से अछूती रही हैं, उस विषय को लेकर कुछ पंक्तियाँ सुनिए। जिसकी सजा तू आज भुगत रहा है, तुझे सजा देने वाले वो गुनाह किए बैठे हैं। जिसकी सजा तू आज भुगत रहा है, तुझे सजा देने वाले वो गुनाह किए बैठे हैं। अपनी पैरवी के लिए जिनको खड़ा किया था, दुश्मनों के हाथों बिकर होशिए बैठे हैं। अपनी पैरवी के लिए जिनको खड़ा किया था, दुश्मनों के हाथों बिकर होंठ सिए बैठे हैं। सुनेगा कि उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, तुझको जगाने वाले खुद पिए बैठे हैं उनकी आवाज पे। और मेरा दावा है साहब, जो लोग कविता समझते होंगे अगली पंक्ति पर समर्थन करेंगे। कविता के माध्यम से सुने कि उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, तुझको जगाने वाले खुद पिए बैठे हैं। और जख्म अपने भूल कर भी तू किसी को मत दिखाना, लोग यहाँ हाथों में नमक लिए बैठे हैं। जख्म अपने भूल कर भी तू किसी को मत दिखाना। एक सलाह देता हूँ आपको चार पंक्तियों के माध्यम से, जिंदगी में कभी दुखी नहीं होंगे, कभी धोखा नहीं खाएंगे। मेरी पंक्तियाँ ध्यान से सुनना। कि जिनका भरोसा एक बार उठ जाए, उनका नाम फिर भरोसे वाले तीन में ना रखना। वाह वाह वाह। अगली पंक्ति सुनना, जो लोग कविता समझते हैं समझ जाएंगे। उनका नाम फिर भरोसे वाले तीन में ना रखना, अरे ऐसे कल पुर्जे कभी भी जंग खा जाए, जो सीने में धड़कती मशीन में ना रखना। ऐसे कल पुर्जे कभी भी जंग खा जाए, जो सीने में धड़कती मशीन में ना रखना। बीज से दोगले जो सोखले नमी ही सारी, बीज से दोगले जो सोखले नमी ही सारी, घर के आसपास की जमीन में ना रखना। बीज से दोगले जो
जो सोख लेने में ही सारी घर के आस पास की जमीन में ना रखना और सांप घर डस ना बिछोड़ दे तो प्यारे उसे भूल कर भी अपनी आस्तीन में ना रखना। जैसे दोगले जैसे दोगले जो सोख लेने में ही सारी जैसे दोगले जो सोख लेने में ही सारी घर के आस पास की जमीन में ना रखना और सांप घर डस ना बिछोड़ दे तो प्यारे उसे भूल कर भी अपनी आस्तीन में। आपने राजनीति बहुत सुना है साहब, बहुत अच्छा सुना होगा, बहुत श्रेष्ठ सुना होगा। मैं देश की राजनीति के नाम चार पंक्ति आप लोगों के लिए लाया हूँ। चाहे आपके स्थानीय नेता हों, प्रांतीय हों, राष्ट्रीय हों, जो ईमानदारी से समर्पित है अपने दल को, उनका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन तादाद में राजनीति क्या है, शायद आप इस तरह की बात पहली बार सुनेंगे। सुनिएगा, आप जा रहे हैं साहब? ये जाके आ रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि उनके पड़ोसी उनसे पहले चले गए। सुनेगा, मुझे ज्यादा बातें करनी नहीं आती साहब कविता के बीच में, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी, कोई उठ के जाता है तो भगवान बीच में से किसी को ना भी उठाए तो। कि कैसी है नैतिकता किसे कहते हैं निष्ठा, यहाँ राजनीति अवसरवादी गिर भी स्वाभिमान है। मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ, जो ईमानदारी से अपने दल को समर्पित है उनका स्वागत करते हैं, लेकिन तादाद में। कि कैसी है नैतिकता किसे कहते हैं निष्ठा, यहाँ राजनीति अवसरवादी गिर भी स्वाभिमान है। राजनीति में नीति है राज करने के लिए, उसे अपना लो जिसके नक्षत्र महान है। तूने दल बदला है मैंने दिल बदला है, अरे तूने दल बदला है मैंने दिल बदला है, ऐसे ही बदलते रहो वक्त मेहरबान गए। तूने दल बदला है, आपको लगे कि मैंने अलग बात कहने का प्रयास किया है, तमाम लोग समर्थन करना मेरा। कि तूने दल बदला है मैंने दिल बदला है, तूने दल बदला है मैंने दिल बदला है, ऐसे ही बदलते रहो वक्त मेहरबान है। अरे एक ने दूजे से कहा काहे कि ईमानदारी तेरी भी दुकान है और मेरी भी दुकान है। एक ने दूजे से कहा काहे कि ईमानदारी तेरी भी दुकान है और हमें दी जाने वाली नकारात्मक शिक्षा। सुनेगा, कि जो भी किया तुमने वो अच्छा ही तो किया होगा, कर ही लिया है तो काहे को क्लेश कीजिए। सत्ताधारियों से ये भी कहते सुना गया है, जैसा परिवेश हो वैसा ही वेश कीजिए। सुना के दुविधाएं दूर रहे, सुविधा भरपूर रहे, भूल से भी खुद को ना दरवेश कीजिए। दुविधाएं दूर रहे, अगली पंक्ति पर इसलिए समर्थन करना आप मेरा, कि मैं दावा करता हूँ कि इस तरह की बात आज तक आपने कभी सुनी नहीं होगी। कि दुविधाएं दूर रहे, सुविधा भरपूर रहे, भूल से भी खुद को ना दरवेश कीजिए। अरे आप बेईमान हैं तो जाके ऐश कीजिए, अगर ईमानदार तो सबूत पेश कीजिए। आप बेईमान हैं तो जाके ऐश कीजिए, अगर ईमानदार तो सबूत पेश कीजिए। आप एक कविता सुनना प्रकाश, एक कविता सुनो, से बातें मत करो, वो तुम्हारा भी चरित्र बिगाड़ देगा, इनका तो बिगाड़ गया हो। सुनेगा साहब, शहीदों के नाम, एक बिल्कुल नई कविता। हमने उन पर गीत लिखे, हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में ना समा पाए। हम क्या दावा करते हैं, हमारी हैसियत क्या है, हम उन पर लिखेंगे? हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। जो सरहद पर तो चले गए पर वापस लौट के ना आए। सरहद पर तो चले गए, कई लोगों को आज तक पता नहीं, कई सैनिकों का, कि किसी किसी की तो अंतिम क्रिया भी अब तक रही अधूरी। किसी किसी की तो अंतिम क्रिया भी अब तक रही अधूरी, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा हम सब करेंगे पूरी। सुनना साहब, उनकी अंतिम इच्छा क्या हो सकती है? कि लगता है शायद दुश्मन
लगता है शायद दुश्मन तब जाके ही सुधरेंगे, लगता है शायद दुश्मन तब जाके ही सुधरेंगे। अरे जीती हुई जमीन को अब के वापस नहीं करेंगे, चाहे समझौतों की गरु ने जमीन लौटा दी तो, गरु ने जमीन लौटा दी तो फिर हमें जिंदगी लौटाए। हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों में न समा पाए। गरु ने जमीन लौटा दी तो, गरु ने जमीन लौटा दी तो फिर हमें जिंदगी लौटाए। हम कल्पना कर सकते हैं साहब, लेकिन बहुत मुश्किल है कल्पना करना है वो जिस हाल में रहते हैं, कि वो जिस हाल में रहते कल्पना करना भी मुश्किल है। अगली पंक्ति सुनना, मैं मंच का भी समर्थन चाहूंगा। कि वो जिस हाल में रहते कल्पना करना भी मुश्किल है, अरे अपना दिल तो केवल धड़कन, दिल तो उनका दिल है। अपना दिल तो केवल धड़कन, दिल तो उनका दिल है। हम तो सबसे बड़ा तीर्थ, हम तो सबसे बड़ा तीर्थ उस घर को ही कहते हैं, हम तो सबसे बड़ा तीर्थ। समर्थन करें शायद अगली पंक्ति पर, कि हम तो सबसे बड़ा तीर्थ उस घर को ही कहते हैं, बड़े गर्व से जहां शहीदों के कुनबे रहते हैं। हम तो सबसे बड़ा तीर्थ उस घर को ही कहते हैं, बड़े गर्व से जहां शहीदों के कुनबे रहते हैं। जिनके तन से सदा वतन की मिट्टी की खुशबू आए, जिनके तन से सदा वतन की मिट्टी की खुशबू आए। हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों में न समा। सुनिएगा साहब, कि चाहे जिसे आबाद करो और चाहे जिसको चमन करो, किंतु शहीदों की विधवाओं की हिम्मत को नमन करो। किंतु शहीदों की हिम्मत देखना, किंतु शहीदों के विधवाओं की हिम्मत को नमन करो। हिम्मत तो देखो रे कहां से क्या हिम्मत लेती है, हिम्मत तो देखो रे कहां से क्या हिम्मत लेती है। अरे घूंघट खोल के पति की अर्थी को कंधा देती है, हिम्मत तो देखो रे कहां से क्या हिम्मत लेती है। अरे घूंघट खोल के पति की अर्थी को कंधा देती है। ऐसी नारियां इस दुनिया में, ऐसी नारियां इस दुनिया में ये धरती ही जन्माए। हमने उन पर गीत लिखे वो गीत। वा, वा, वा। अगर आप में संवेदनाएं जीवित हैं, चार पंक्तियां सुनना, सुनना प्रकाश। हाँ भाई साहब। कि माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेते हैं। अगली पंक्ति सुनना साहब, कि माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेते हैं, अरे पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं। क्या बात है, वाह। पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं। माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेते हैं, अरे पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं। और चौथी पंक्ति पर रोक सको समर्थन करने से तो रोक लेना, कि कहना कुटुम कबीलों से हथियारों के हो गहने, कहना कुटुम कबीलों से हथियारों के हो गहने। अरे छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने, कहना कुटुम कबीलों से, कहना कुटुम कबीलों से। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई साहब,
माँ से कहना वा, वा, वा। हम सीमा पर, माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेटे हैं, और पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं, पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं, अरे कहना कुटुम कबीलों से हथियारों के हो गहने, और छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने, अरे बेटे से कह देना रे, बेटे से कह देना शहादत से वो भी ना घबराए, हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों में ना समा पाए, हमने उन पर गीत। वाह 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 वाह, आप एक 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 आप और, एक आप और पढ़ो, एक आप और पढ़ो। देखिए एक छोटी सी कविता मैं आपको सुना देता हूँ। हम जानते हैं साहब पूरा देश आप सैनिकों की सहायता, सैनिकों को श्रद्धांजलि देने स्वरूप इकट्ठा है, लेकिन मैं एक ऐसे सैनिक की कथा भी आपको सुनाता हूँ जिसको ये समाज और ये देश भूल गया था, और एक सही घटना पर आधारित मेरी बहुत गंभीर कविता है। मैं 3 मिनट का आप लोगों से समर्थन चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि गंभीर कविताएँ लिखना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सुनाना थोड़ा मुश्किल काम है, और सुनना उससे ज़्यादा थोड़ा मुश्किल काम है। बहुत अच्छा भाई। एक मुश्किल काम मैं करता हूँ, दूसरा मुश्किल काम आप करना। वाह वाह। मध्य प्रदेश में एक जगह भिंडौर मुरैना, वहाँ एक व्यक्ति रहा करता था, उसका नाम था पान सिंह। वो पान सिंह जो कल तक सिपाही की हैसियत से सरहद पर बंदूक लेके खड़ा था, देश की सीमाओं की रक्षा क्या करता था, वो पान सिंह अपने गांव आता है, किसी कारणवश चंबल की भीड़ में चला जाता है, डाकू बन जाता है, पुलिस के हाथों मारा जाता है। हो सकता है बहुत से लोग डाकू बनते हों, लेकिन वो पान सिंह मुझे सन और तारीख याद नहीं है, लेकिन किसी न किसी एशियाड में आपके देश के लिए धावक के रूप में एक स्वर्ण पदक जीता था। आपके देश के लोग ही नहीं, विदेशी लोग तक भी जानते थे। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी उस सैनिक के साथ में जो सब कुछ ये करना पड़ा, डाकू बनना पड़ा, पुलिस का तो मरना पड़ा। मेरी एक गंभीर कविता बहुत गंभीरता से सुन लेना, छोटी सी कविता और सुना रहा हूँ आपको। सुनाओ। हाँ भाई साहब। मैं सरहद का एक सिपाही हूँ, सरहद का एक सिपाही, मैंने लहू का दिया जलाया, मैंने लहू का दिया जलाया, दिए ने घर में आग लगाई, मैं सरहद का। उसके घर की स्थिति देखना कि खाली कमरे बर्तन रीते, पेट में पलने लगे पलीते, हम सांसों की लेते जुगाली, है मुन्ने का टिफिन भी खाली, एक बिटिया के हाथ कुंवारे, दूजी अपनी उम्र उघारे, एक बिटिया के हाथ कुंवारे, दूजी अपनी उम्र उघारे, बाबुल कहाँ कभी क्यों हर से, माँ की अखियाँ झर झर बरसे, बाबुल कहाँ कभी क्यों हर से, माँ की अखियाँ झर झर बरसे, औरत मरती बिन बेटे के, औरत मरती बिन बेटे के, बेटे मरते बिना दवाई, मैं सरहद का एक सिपाही। मैं सर, ये ऐसी स्थितियाँ भी सिपाहियों की है। सिपाही ने केवल एक बात सीखी है कि तुमने कहा तू आगे बढ़ जा, लो मैं बढ़ गया बिना विचारे, तुमने कहा तू सूली चढ़ जा, लो मैं चढ़ गया बिना विचारे, तुमने कहा कर्म ये कर जा, लो मैं कर गया बिना विचारे, तुमने कहा वतन पर मर जा, लो मैं मर गया बिना विचारे, बिना विचार फर्ज पहचाना, मिट्टी को चंदन कर माना, वतन को माना है वरदान, भूलाना बेबस इंसान, घर नीलाम हो गया मेरा, रहन है मेरा शाम सवेरा, तराई बरात लुट गई थी बहिना, तेल चढ़ी उठ गई थी, अब हम किसको कहाँ तलाशे, घर को दगा दे गई सांसे। आदमी की संस्कृति पर आघात होता है, आदमी क्या कर गुजरता है, घर को दगा दे गई सांसे, बाबुल बिना कफन पहुँचाया, बाबुल बिना कफन पहुँचाया, माँ हिंदू होकर दफनाई, मैं सरहद का एक सिपाही। एक कल्पना करना साहब, आप सुनेंगे शायद कविता में पहली बार, युद्ध के समय जो स्थिति सरहद पर एक सिपाही की होती है,
पूरे परिवार को ध्यान में रखना, एक एक सदस्य पर उसकी प्रतिक्रिया देखना और डाकू बनने का कारण देखना। कि दुश्मन से कभी घिरा में तो बाबुल ने राम जपा होगा, अगर प्यास लिए भटका में तो आंचल ममता का तपा होगा। जवा चुए हो आवारा तब धागा एक जला होगा, मस्तक बेकाबू होने पर सिंदूर कहीं सुलगा होगा। बुझ गई रोशनी आंखों की, सारा कुनबा रोया होगा, घुटनों के गिर जाने से भाई चैन से कब सोया होगा। जब अंत समय आया तो धरती के आंसू छूटे होंगे, बिटिया के खिलौने उसी वक्त अपने हाथों टूटे होंगे। बच गया पता नहीं मैं कैसे, डस गया कोई सपना जैसे, फिर एक बार ले छुट्टी आया, सारे रास्ते मन हरसाया, माँ देखेगी लेगी बलैया, गुड़िया चलती होगी पैया, घर पहुँचाना पूछा कौन, सारा घर ही पाया मौन। मेरी बहिना बिलख रही थी, औरत का है सिसक रही थी, सक्षम खड़ी थी एक हवेली, जो कह रही थी एक पहेली, मेरी औरत का सत टूटा, ताकत वालों ने सब लूटा। फिर मैंने कानून पुकारा, उसने किस तरह दुदकारा, उस पल मैंने कुछ न बिचारा, दूजे पल था मैं हत्यारा, कर्म की बुझ गई एक पहेली, लव से कर दी लाल गवेली, न्यायालय की कलम भागी, इसलिए आज बना मैं बागी, इसलिए आज बना मैं बागी। चम्मल शरण आ गया तेरी, चम्मल शरण आ गया तेरी, चम्मल शरण आ गया तेरी। लो फिर से बंदूक उठाई, फिर क्या करता एक सिपाही, बोलो क्या करता एक सिपाही, फिर क्या करता एक सिपाही, बोलो क्या करता एक सिपाही। मैंने लहू का दिया जलाया, मैंने लहू का दिया जलाया, मैंने लहू का दिया जलाया, दिए ने घर में आग लगाई, मैं सरहद का एक सिपाही था, सरहद का एक सिपाही। वाह वाह वाह।